गुड इवनिंग स्टूडेंट्स सो करंटली हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेवन दैट इज लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन सो बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं तो सबसे पहले प्लेन सो क्वेश्चन इज वट इज अ प्लेन कोई भी सरफेस है सरफेस एक प्लेन होता है सरफेस फॉर एग्जाम्पल कर्व हो सकता है फ्लैट हो सकता है सॉलिड्स के भी सरफेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल क्यूब हैज सिक्स सरफेसेस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्यूब है एक का एक ही सरफेस होता है एंड वो कर्व होता है तो फिर ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल ये शेप्स प्लेन में लाई करती हैं प्लेन फिगर्स हैं उसके बाद सेकंड टॉपिक आते है पॉइंट पॉइंट क्या है कोई भी डॉट लाइक ये ए बी सी दीज आर थ्री पॉइंट्स पॉइंट हैज नो डायमेंशंस पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती ब्रेथ नहीं होती थिकनेस नहीं होती जीरो पॉइंट भी प्लेन में लाइन करता है एंड उसके बाद लाइन सेगमेंट व्हेन यू जॉइन टू पॉइंट्स देन द रिजल्ट यू पॉइंट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट फॉर एग्जांपल हेयर ए टू बी इज एन लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड इट हैज अ फिक्स लेंथ हम इसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते फिक्स रहेगी फॉर एग्जाम्पल अगर ये फोर सेंटीमीटर है तो ये फोर सेंटीमीटर ही रहेगी इसे हम लोग यू डी नोट करते हैं ए बी एंड ए बी के ऊपर बार लाइक सी डी बार सो दिस इज सी डी लाइन सेगमेंट विथ सी टू डी उसके बाद कंटिन्यू करते हुए मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स सो लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए आप लोग सिंपली एक स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं लाइक like यहाँ पर दिस लाइन सेगमेंट इज 5.4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हेयर दिस वन इज सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग सो एक एंड पॉइंट पे स्केल का जीरो मार्क रखना है एंड फिर जहाँ पर सेकेंड वाला मार्क जाए वो उसकी लेंथ हो जाएगी फिर आती है रे रे भी दो पॉइंट्स को ही करती है बट रे में क्या है रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंड पॉइंट नहीं होता दिस एरो का ये मतलब है कि ये रे गोज अप टू इन्फिनिटी रे हैज़ नो फिक्स लेंथ क्योंकि ये कितना भी जा सकता है सो so, रे की लेंथ नहीं होती ले को भी रे को भी हम लोग डिनोट करते हैं a, B, दो लेटर से दो पॉइंट से बट उसके ऊपर जैसे हम लोग लाइन सेगमेंट में ये सिंबल लगाते थे रे में हम लोग यू कर देते हैं लाइक दिस इज़ अ रे ए बी लेंथ रे की फिक्स नहीं होती अब जैसे हम लोगों ने देखा कि रे एक साइड में एक्सटेंड कितनी भी हो सकती है सो लाइन बेसिकली दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि ये भी एक्सटेंड हो सकती है इसलिए इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं है एंड जैसे बाकी दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एंड जो ये लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन रहती है ये सभी भी प्लेन में ही लाइक करती हैं देर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एनी ऑफ दिस लाइक अगर ये ए बी है सो so मैं इसके ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ सी डी ई एफ जी एच आई मैं जितने भी पॉइंट ले सकता हूँ मेरी मर्जी है रे का भी सेम ए बी सो देर आर इन्फाइनइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल ऑन एनी लाइन सेगमेंट रे और लाइन उसके बाद अगर हमें कोई एक सिंगल पॉइंट गेम है ना फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट एक्स सो एक्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एंड लाइन सेगमेंट्स पास हो सकती हैं हम लोग कितने भी लाइंस वगैरह को पास करवा सकते हैं एक्स के थ्रू बट इसी के साथ अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं फॉर एक्ज़ाम्पल दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई सो देर इज़ ओनली एंड ओनली वन सिर्फ एक ही लाइन पास होगी एक्स और वाई दो डिस्टिंग पॉइंट से अगर दोनों सेम प्लेन में है तो इनसे टू लाइंस या उससे ज़्यादा लाइन पास नहीं हो सकती उसके बाद हमारे पास दो तीन कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है मिलना सो so, जो दो लाइंस किसी भी एक पॉइंट पर मिल रहे हो लाइक लाइन एल एंड लाइन एम ये दोनों से पॉइंट ए पर मिल रही है सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स यहां पर भी हमको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं लाइक दिस इंटरसेक्टेड पी इसी के साथ एक और थ्योरम है अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है सो देर इज ओनली एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है लाइक like यहां पर पॉइंट पी उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस. अगर दो लाइंस ऐसे हैं कि वो कभी भी मीट नहीं कर रही हैं एंड हर एक पॉइंट पर लाइक दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट इन पॉइंट्स पर अगर उन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम है सो दे आर सेट टू वी पैरल लाइक ये अगर हम लाइक like अगर हम यहाँ पर देखें सो so यहाँ पर मान लो डिस्टेंस वन सेंटीमीटर है सो पी एंड क्यू के बीच में यहाँ पर भी डिस्टेंस वन सेंटीमीटर होगा यहाँ पर भी हर जगह पैरल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है उसके बाद कॉन्करेंट लाइंस, थ्री और मोर लाइंस, मतलब कि मिनिमम थ्री मैक्सिमम कितने भी लाइंस जो कि किसी सेम पॉइंट से पास हो सकते हो लाइक like यहाँ पर सेम पॉइंट ओ सो थ्री और फोर लाइंस जो कि किसी सेम पॉइंट से पास हो रहे हो उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस, एंड जो वो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट लाइक यहाँ पर ये ओ सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये रहा कोलिनियर पॉइंट्स अभी जैसा कि मैंने बताया था एक लाइन पर इंफानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं सो so, वो पॉइंट्स जो कि सेम लाइन लाइन सेगमेंट या रे पर लाई करते हो उन्हें हम कोलियर पॉइंट्स कहते हैं लाइक ए बी सी ये कोलिनियर है पी एंड क्यू कोलियर है बट अगर हम देखें तो एस और आर इस पर नहीं है सो so, ये दोनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए क्योंकि ये इनके साथ लाइन पर नहीं है पी क्यू एस एंड आर आर नॉन कोलिनियर ए बी एंड सी आर कोलिनियर इसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन गिवन है सो लाइन हमें पता है लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं रे का एक एंड पॉइंट एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है इन दोनों की लेंथ डेफिनेट नहीं होती लाइन सेगमेंट पेपर पर ड्रॉ हो सकती है बट रे और लाइन पेपर पर ड्रॉ नहीं हो सकती लेकिन हम इन्हें यू डाइग्राम वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्रॉ क्यों नहीं हो सकती क्योंकि इनकी लेंथ इन्फाइनइट है सो so, हम पेपर पर इंफाइनाइटली लंबी चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर की भी लिमिटेशंस होती हैं उसके बाद इनके सिंबल्स दे रखे हैं वो आप लोग देख सकते हैं इसके बाद चलिए आ जाते हैं एक बार एक्सरसाइज इलेवन ए पर सो एक्सरसाइज इलेवन ए का क्वेश्चन नंबर वन बेसिकली वट इट सेज इस इन फिगर्स में टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं हमें लाइन सेगमेंट्स को नेम करना है सो so अगर मैं फिगर वन की बात करूं, सो देर इज लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऊपर बार भी लगाकर नेम करेंगे लाइक like ये एक लाइन सेगमेंट हो गई एंड ये सेकेंड लाइन सेगमेंट सो दो लाइन सेगमेंट से ये फिगर बन रही है लाइन सेगमेंट वाई जेड सो लाइन सेगमेंट का नेमिंग का वही है जो दो एंड पॉइंट हो उनको और ऊपर में बार सेकंड पार्ट में आते हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन लाइन सेगमेंट्स मेक अप दिस फिगर सो राइटिंग देर नेम्स ए डी एंड ऊपर सिंबल ए ई ऊपर सिंबल ए बी ऊपर सिंबल एंड ए सी सो फोर लाइन सेगमेंट्स हो चुके हैं थ्री लाइन सेगमेंट डी बी लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी ई सो दिस इज द बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास नो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट है पी क्यू अलग लाइन सेगमेंट है दिस वन क्यू आर अलग है आर एस अलग है एंड इसी के साथ साथ पी आर दिस मच लेंथ ये भी लाइन सेगमेंट है ये yes, सो so हम ये क्वेश्चन देख रहे थे सो so इसमें लाइन सेगमेंट रहेगी पी क्यू क्यू आर आर एस एंड इसी के साथ साथ पी आर क्यू एस एंड पी एस भी लाइन सेगमेंट होंगी इनकी पी क्यू आर एस एंड क्यू आर की तो हम देख रख सकते हैं इक्वल लेंथ है उसी के साथ पी आर एंड क्यू एस की भी है बट लाइन सेगमेंट्स में सभी काउंट होगी एंड ये भी आंसर में आएंगी उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें लाइन सेगमेंट्स भी और रेज को भी नेम करना है लाइक like अगर हम इस क्वेश्चन में देखें सो एरो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है रे को सो सी ए एक रे नहीं है ये सी ए लिखेंगे तो हम ये गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि सी ए रे नहीं है रे को नेम करने के लिए सबसे पहले एंड पॉइंट पहले आएगा उसके बाद सी एंड ए टू सी आर हो जाएगा क्योंकि रे ए टू सी जा रही है तो इसे ए सी रे बी डी एंड उसके बाद हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट और दिख रही है लाइन सेगमेंट ए बी सो लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट के सिंबल से बी डी एंड ए सी को रे के सिंबल से एंड इस क्वेश्चन में देखे तो ई जी जी एफ एंड जी पी एंड ई पी ये तीन हमारी लाइन सेगमेंट्स हो गई रे ई एफ रे जी एच एंड रे पी क्यू ये हमारी रेज हो गई एंड पी ई ये तीन तो लाइन सेगमेंट्स ई एफ जी एच एंड पी ये हो जाएंगे हमारी रेज सो टोटल सिक्स कॉम्पोनेंट्स इस डाइग्राम में एंड इस डाइग्राम में ओ एल लाइन सेगमेंट ओ पी लाइन सेगमेंट रे एल एम एंड रे पी क्यू सो विद लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन थ्री सो क्वेश्चन थ्री में हमको क्या करना है सबसे पहले फोर लाइन सेगमेंट्स फोर रेज एंड टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स को नेम करना है सो so सबसे पहले पार्ट थ्री को देखें ऐसी दो लाइन्स जो कि इंटरसेक्ट ना कर रही हों लाइन सेगमेंट्स सो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट आर एस ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं ये दो अपना डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं नहीं तो एक और आंसर लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी ये तो पैरेलल ही हैं तो ये तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी फोर रेज तो फिर रे में हम लोग यू नेम कर सकते हैं लाइक like, रे पी बी रे आर ए रे रे एस सी एंड रे क्यू डी एंड पॉइंट से लेकर उसके एक्सपेंडिंग पॉइंट तक एरो सो रेज हो चुके हैं एंड फोर लाइन सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट पी आर ये रही लाइन सेगमेंट आर एस ये रही लाइन सेगमेंट क्यू एस दिस वन एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू सो फोर लाइन सेगमेंट्स हो गई अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में सबसे पहले डेफिनेशन पूछी है व्हाट डू यू मीन बाय कोल पॉइंट्स सो ये वाली डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं वहां पर एंड उसके बाद फर्स्ट पास पार्ट क्वेश्चन का हाउ मैनी लाइन सेग लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू थ्री कोलियर पॉइंट्स सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कोई भी दो पॉइंट्स हैं या फिर कोई भी तीन चार कितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो कोलिनियर है तो उनसे ओनली एंड ओनली वन लाइन या लाइन सेगमेंट पास होती है सो so, इसका आंसर हमारा वन एंड इसके बाद हमारे पास क्या है थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी गिवन है एंड हमें बताना है कि उनसे कितनी लाइन सेगमेंट्स हम लोग बना सकते हैं सो बेसिकली लाइन सेगमेंट ए बी बन रही है लाइन सेगमेंट ए सी बन रही है एंड लाइन सेगमेंट बी सी सो थ्री पॉइंट्स से हम लोग थ्री लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास गिवन है कि इन सब को नेम करना है लाइक फोर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो ध्यान देने की बात है यहां पर पेयर है सो इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर्स होंगे जैसे पी एस कोमा में पी क्यू एंड ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट पी पर एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही सो दीज आर टू एक पेयर सेकेंड पेयर मेरे अकॉर्डिंग सी डी एंड आर एस जो कि पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी के साथ पॉइंट थर्ड पेयर क्यू एस एंड आर एस आपकी बारी पॉइंट एस पर एंड लास्ट पेयर सी डी एंड पी क्यू ये एंड एक एक्स्ट्रा पेयर अगर हम लिखना चाहें तो ए एस एंड पी क्यू जो कि पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट हो रही है फोर कोलिनियर पॉइंट्स फोर पॉइंट्स लाइन ऑन सेम सेगमेंट्स यहाँ पर पॉइंट ए कोमा में क्यू कोमा में एस कोमा में बी ये कोलिनियर है एंड ये लाई करते हैं लाइन ए बी पर इसी के साथ पॉइंट सी कोमा पी आर एंड डी भी कोलिनियर है जो कि ला करते हैं लाइन सी डी पर सो so, कोई भी चार आप लिख सकते हैं दोनों में से उसके बाद हम लोगों को बताने थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर बेसिकली दो पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर लाई नहीं करते हैं सो पॉइंट ए कोमा में पी एंड आर लाइक ए यहाँ है पी यहाँ है आर यहाँ है एंड इनसे किसी भी तरह से लाइन पास नहीं कराई जा सकती सो so, ये नॉन कॉलिनियर हैं। थ्री कॉन करेंट पॉइंट्स सो कॉन्करेंट पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं जहां से थ्री या मोर देन थ्री लाइन्स पास हो रही हों। सो पॉइंट पी एक दो एंड तीन लाइन्स पास हो रही हैं पॉइंट आर वन टू टू लाइन सेगमेंट्स या फिर पॉइंट एस को ले, ले सकते हैं एस से थ्री लाइन्स एंड पॉइंट क्यू से भी सो दीज वर कॉन्करेंट पॉइंट्स एंड थ्री लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी सो ऐसी तीन लाइन्स जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी हो सो लाइन्स सी डी लाइन पी एस एंड लाइन पी क्यू सो जैसा कि हमको दिख रहा है ये तीनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी क्यू पी एस एंड सी डी का पॉइंट पी है सो so, आज के लिए इतना ही आप लोगों को ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं टिल क्वेश्चन नंबर फाइव वैसे तो ये चैप्टर आपका डिलीटेड पोर्शन में है बट स्टिल ये हम लोग करवा रहे हैं जस्ट फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन